लेटस स्टार्ट विथ एरिया अंडर कव डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग कर चुके हैं और उसमें भी हमने बताया था ए से बी इंटीग्रेट करने पे एफ एक्स एक्स ये बेसिकली एरिया देता है और अगर कव अबव द एक्स एक्सेस है और ए से बी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो एरिया आएगा पॉजिटिव आएगा अगर कर्व बिलो द एक्स एक्सेस है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तो इसको इंटीग्रेट करने पे इसका डेफिनेट इंटीग्रल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा तो पहले तो हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया में डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है जीरो भी आ सकता है लेकिन एरिया का आंसर सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा एरिया का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा ठीक है कैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम यह क्वेश्चन आया है डेफिनेट इंटीग्रल का कि जीरो से टू पाई इंटीग्रेट करना है एक्स को तो अगर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस क्वासेक्स होता है यह जीरो से टू पाई हो जाएगा माइनस साइन बाहर निकाल लो कॉस एक्स बचा तो ये कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो कॉस टू पाई होता है वन कॉस जीरो होता है वन फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो तो ये क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीरियर का लेकिन अब अगर हम एरिया की बात करें और हमसे बोला जाए एरिया बताओ एरिया <coughs> अंडर कव इज़ इक्वल टू साइन एक्स बाउंडेड बाय एक्स एक्सेस फ्रॉम जीरो टू पाए तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है <coughs> और एरिया ऑलवेज पॉजिटिव आता है साइनिक्स का ग्राफ बना लो जीरो से टू पाए में जीरो पाए टू पाए अब एरिया निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पे पॉजिटिव आएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा ठीक है डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर जीरो आ सकता है लेकिन एरिया में सबसे पहली चीज तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो रहा है तो लाइक जैसे इसमें देखा हमने साइनेक्स में ये पार्ट जीरो से पाई में पॉजिटिव आ रहा है और पाई से टू पाई में नेगेटिव आ रहा है तो इसके एरिया के लिए हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा जीरो से पाई साइन एक्स डीएक्स जो कि इट्स पॉजिटिव आ जाएगा और जब ये नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे तुम मॉड साइन ले लो उसको पॉजिटिव बना दो बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है <coughs> तो एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स जीरो से पाई, यहां पे भी माइनस साइन बाहर ले लो कॉस एक्स पाई से टू पाई आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस कॉस टू पाई माइनस कॉस पाई मॉड लेना है और ध्यान से देखो कॉस पाई होता है माइनस वन कॉस जीरो होता है वन कॉस टू पाई होता है वन पाई होता है माइनस वन जब तुम पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है माइनस टू माइनस टू माइनस से मल्टीप्लाई होगा टू आ जाएगा और मॉड के अंदर आएगा माइनस टू का मॉड तो ये एरिया एक लूप का एरिया पता होना चाहिए साइन एक्स के टू होता है प्लस टू और इधर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस टू आ रहा है लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है तो माइनस टू का भी मॉड ले लिया तो इट विल बी फोर तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया में डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर जीरो आ सकता है एरिया में अगर कुछ पार्ट नेगेटिव हो रहा है तो उसका मॉड लेके हमें उसको पॉजिटिव बना के उसका एरिया लिखना पड़ता है ठीक है तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब एरिया दो तरह से काउंट होता है अगर कोई फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है और उसका एरिया हमें निकालना है a टू b तो यहां पे हम एक स्ट्रिप एज्यूम करते हैं जिसकी थिकनेस हम लेते हैं dx और चूंकि एक कर्व वाई है तो लेंथ हो जाएगी वाई और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम वाई डी एक्स को चूंकि dx डिफरेंशियल लेंथ होती है टेंस टू जीरो होती है तो ये एक तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगी वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे ए से बी सिंपली अगर एरिया कर्व दे रखा है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और अगर कर्व दे रखा है एक्स इज इक्वल टू जीवाई एक्सेस से बाउंडेड है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है सपोज कर लो वाई इज इक्वल टू सी से वाईज इक्वल टू डी के बीच में तो यहां पे भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लो जिसकी विथ हो जाएगी डी वाई लेंथ एक्स होती है तो ये भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो जाएगी जिसकी लेंथ एक्स है विथ है डी वाई और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम सी से डी के बीच में तो ये दो तरह के फॉर्मूले हैं एरिया में तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है तो y dx भी हो सकता है और x dy भी हो सकता है तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं इसको नोट कर लो पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस से बाउंडेड इस कर्व का एरिया बताना है हमें ठीक है तो देखते हैं ये वैसे एक क्यूबिक बनेगी माइनस साइन कॉमन ले लो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको जीरो कर लो तो यहां पे एक्स की देखो दो वैल्यू आ रही है जीरो एंड वन ठीक है तो ये कर्व एक्स एक्सेस को जीरो और वन पे कट करेगा ग्राफ का आइडिया ऑलरेडी है तुम लोगों को और जीरो और वन के बीच में पॉजिटिव होगा इसलिए पॉजिटिव होगा बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही एक्स जीरो से वन है मतलब एक्स पॉजिटिव है पॉजिटिव है इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है तो पूरा फंक्शन कैसा आएगा अबव अब द एक्स एक्सेस आएगा और यहाँ पे बेसिकली यही डिसाइड करना होता है हमें कि फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं है तो ज़ीरो और वन उसके रूट मिल रहे हैं हमें जहाँ पे ये फंक्शन एक्सेस को कट करेगा और जीरो और वन के बीच में हमें देखना है पॉजिटिव है कि नहीं है तो जीरो और वन के बीच में ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है एक्स भी पॉजिटिव है तो सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट कर लो जीरो से वन के बीच में वही स्ट्रिप डीएक्स ले ली लेंथ वाई हो गई एरिया में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम जीरो से वन वाई डीएक्स ये हो गया एक्स इसको ओपन कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स डीएक्स अब इसको हम जीरो से वन में इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डीएक्स आई होप इंटीग्रेशन सबको आता है एक्स क्यूब का एक्स की पार फोर बाई फोर जीरो से वन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो से वन एक्स का एक्स एक्सक्वायर बाई टू जीरो से वन वन बाई फोर बाहर निकाल लो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो टू बाई थ्री बाहर निकाल लो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो वन बाई टू बाहर निकाल लिया ठीक है सो दिस इज वन बाई फोर माइनस टू बाई थ्री प्लस वन बाई टू इसको काउंट कर लोगे आंसर आ जाएगा और बाई द वे इसका आंसर वन बाई ट्वेल्व आता है ठीक है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहां पे क्योंकि लिमिट नहीं दे रखी थी सिर्फ एक्सेक् दे रखा था तो इसका मतलब कहां एक्स को कट करता है और जहां पे भी कट करता है उसमें ये कर्व पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अगर नेगेटिव होता तो उतने पार्ट के लिए हमें मॉड साइन लेना पड़ता ठीक है यहां तक इतनी बात समझ में आ गई इसको नोट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स सीधे सीधे दिख रहा है ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो सोचने की जरूरत नहीं है एक्स एक्सेस से बाउंडेड एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर से बाउंडेड ठीक है एक्स एक्सेस से बाउंडेड एंड लाइन पाई बाई फोर से बाउंडेड सेक्स जीरो जरा देखो क्या होता है सिक्स जीरो होता है वन ठीक है ये ऑलवेज पॉजिटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स जीरो वन होता है जीरो पे इसकी वैल्यू वन आ जाएगी तो बेसिकली लिमिट लोअर लिमिट नहीं दे रखी तो जीरो ही पॉइंट रखना पड़ेगा जीरो से तुम पाई बाई फोर इसको इंटीग्रेट कर लो सिंपली तो लोअर लिमिट तुम्हें जीरो रखनी होगी अगर नहीं दे रखा है तो, तो एरिया आ जाएगा जीरो से पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स ये क्या हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन जीरो सिंपली तो ये हमारा आंसर है तो इस क्वेश्चन में कहां पे डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि लोअर लिमिट कहां रखनी है तो लोअर लिमिट जहां पे भी रखनी है वो स्टार्ट कर दो जीरो से अगर नहीं दे रखा है अदरवाइज तो फिर माइनस इंथ्रेडी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो वो पॉसिबल नहीं है तो कहां से स्टार्ट करेंगे जीरो से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उूट एरिया बाउंडेड बाय द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स एक्स एक्सेस एंड ऑर्डिनेट मतलब लाइंस दे रखी हैं एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू वन एक्स को 1 रख लो तो y की वैल्यू m आ रही है फिर x को 2 रख लो यहां पे x को 2 रखो लाइन पे तो y की वैल्यू 2m आएगी और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया मींस ये एरिया हमें बताना है तो वैसे तो इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो अदरवाइज ये तुम्हें ट्रेपीजियम दिख रहा होगा और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैल साइड्स इन टू डिस्टेंस बिटवीन ऑफ़ समल साइड मतलब देखो जरा पीएस प्लस पैलल साइड पीएस है और क्यू आर है और डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्टेंस बिटवीन देम ये आ रहा है एस आर

वाई dx और इसको इंटीग्रेट कर देते एक्स की वैल्यू वन से टू तक वाई की जगह एम एक्स रख दो एम बाहर कर लो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू वन से टू टू बाहर निकाल लो एम बाई टू ये टू का स्क्वायर फोर वन का स्क्वायर वन थ्री एम बाई टू इस तरह से भी आंसर निकाल सकते थे या ट्रापीजियम बन रहा है उस तरह से भी निकाल सकते हैं तो ठीक है ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू एक्स एक्सेस और ऑर्डिनेट दे रखे एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू ठीक है तो यहां पे बेसिक ग्राफ की इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए जो कि फंक्शन के पहले हमने पढ़ाया था कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस का ग्राफ ही होता है ये वाइज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है और इसको हमें एक्स एक्सेस से बाउंडेड कहां से कहां इंटीग्रेट करना है वन से टू ठीक है मीन्स <coughs> हमें ये एरिया निकालना है और ग्राफ से देख रहा है पॉजिटिव ही है तो कुछ सोचने में प्रॉब्लम नहीं है सीधे सीधे एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर दो वन से टू डी एक्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पार फोर बाय फोर फोर बाहर निकाल लिया हमने इतना इंटीग्रेशन आ चुका होगा तुम लोगों को डेफिनेट भी पढ़ चुके हैं इनडेफिनेट भी पढ़ चुके हैं टू की पार फोर सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन बाई फोर इज द आंसर सिंपल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब हम सिमेट्री की बात करते हैं जैसे कि मान लो सर्किल की बात कर रहे हैं सर्कल का एरिया निकालना है वैसे तो आसान होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है लेकिन मान लो कुछ इंटीग्रेशन से निकालना है तो जितना इस क्वार्टर पार्ट का एरिया आएगा उतना ही इस क्वार्टर पार्ट का एरिया आएगा उतना ही इस क्वार्टर पार्ट का एरिया आएगा उतना ही इस क्वार्टर पार्ट का एरिया आएगा तो हम करेंगे अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो सिर्फ क्वार्टर पार्ट का एरिया निकाल लो किसका एरिया निकाल क्वार्टर पार्ट का एरिया और उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कल का एरिया हो जाएगा <coughs> इसी तरह से अगर तारा बोला है y2 4x, तो यहां भी सिमेट्री होती है मान लो इतना एरिया निकालना है तो जितना एरिया अब द एक्स एक्सेस आ रहा है उतना एरिया बिलो द एक्स एक्सेस आ रहा है तो सिर्फ तुम ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लो और उसका डबल कर लो सिमिलरली यहां पे भी होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई में इतना एरिया निकालना है मान लो तो सिर्फ ये एरिया निकाल लेंगे उतना ही एरिया ये होगा तो मतलब सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लो उसका डबल कर लो इसी तरह से एलिप्स में होगा तो ये सिमेट्रिकल कर्व होते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सिस या दोनों एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल एलिप्स चारों क्वारेंट में सिमेट्रिकल होता है तो सिर्फ फर्स्ट क्वारेंट का एरिया निकाल लो बाकी चार से मल्टीप्लाई कर देना पूरा एरिया आ जाता है और ये याद होना चाहिए एलिप्स का एरिया आता है पाई ए बी क्या एरिया आता है पाई ए बी इज द एरिया ऑफ एलिप्स तो ये कुछ कर्व हैं जो सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो यहां पर पूरा एरिया ना निकाल करके हम एक एरिया निकाल के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं ठीक है तो अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहला या ये सीक्वेंस में देखें तो फिफ्थ होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स का ग्राफ सबको पता है x इज इक्वल टू फोर लाइन समथिंग ये हो जाएगी ठीक है हमें ये पूरा एरिया बताना है तो पूरा ना निकाल करके हम क्या करें हम सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकालेंगे ये वाला एरिया और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे जीरो से फोर और उसको डबल कर लेंगे तो टोटल एरिया कैसे आएगा टू टाइम्स ये एक स्टेप ले लो वाई dx लेंथ वाई है विथ है dx जीरो से फोर इंटीग्रेट कर लो वाई डी एक्स करके y की वैल्यू आ रही है यहां पे टू रूट एक्स और ऊपर वाले का एरिया निकाल के डबल कर देंगे एक्स की पार हाफ का इंटीग्रेशन एक्स की पार थ्री बाई टू और नीचे वाला थ्री बाई टू तुम यहीं लिख लो ज़्यादा बेटर रहता है अनेसरी कैलकुलेशन में गड़बड़ो तो दिस इज एट बाई थ्री और यहाँ पे रखेंगे फोर की पार थ्री बाई टू माइनस ज़ीरो की पार थ्री बाई टू तो दिस विल बी एट सिक्स नहीं हाँ एट सिक्सटी फोर बाई थ्री इज द आंसर चेक कर लो इसका आंसर क्या आ रहा है सिक्सटी फोर बाई थ्री ठीक है तो ये सिमेट्रिकल एरिया का एग्जाम्पल हो गया नेक्स्ट <coughs> देखते हैं रिमूव कर रहे हैं इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिमेट्रिकल में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स और उसके लेटेस्ट रेक्टम से बाउंडेड एरिया लेटेस्ट रिक्ट क्या होता है जो कि फोकस से पास करता है एल एल डैश ठीक है तो ये क्वेश्चन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए पॉपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस तो हमें बाउंडेड एरिया बताना है तो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लें और डबल से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया होगा टू टाइम्स जीरो टू ए ये विथ dx है ये लेंथ वाई है वाई डी एक्स जीरो से ए इंटीग्रेट करेंगे इसको वाई की वैल्यू फिर से यहां से निकाल लो टू रूट एक्स टू ये फोर हो जाएगा रूट एक्स को करेंगे तो एक्स की पार थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू एट बाई थ्री ए की पार थ्री बाई टू यह आंसर आ गया ठीक है और इसी तरह से आगे सिमेट्रिकल एरिया में पाइस एलिप्स भी होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसमें चारों पार्ट्स का एरिया सेम आता है एलिप्स पढ़ा है सबने ये ए कॉमा जीरो हम क्या करें सिर्फ सिंगल इतने पार्ट क्वार्टर पार्ट का एरिया निकाल लें और फोर से मल्टीप्लाई कर दे सॉल्व हो जाएगा ये तो कैसे निकालना होगा एरिया एरिया इज फोर टाइम्स जीरो टू हाइट वाई ले ले रहे हैं और विथ डीएक्स ले रहे हैं वाई डी एक्स वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यहां से आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर तो y स्क्वायर आ जाएगा बी बाय ए और जैसा कि हमने बताया था एलिप्स का एरिया याद भी रखना पाई ए बी होता है एक बार प्रूफ कर लेते हैं प्लस माइनस में आएगा ये y लेकिन ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं तो हम प्लस ही साइन लेंगे और यहां पे वाई रख दो वाई विल बी बी बाय ए इंटीग्रल जीरो से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स यह आता है वन बाई टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए साइन इनवर्स एक्स बाय ठीक है प्लस ए स्क्वायर होता है शायद ये एक बार चेक कर लेना फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा डाउट है ए है कि ए स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स बाय और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम जीरो से ए में <coughs> पहले ए रखो तो ये जीरो हो जाएगा ये बचेगा ए साइन इनवर्स वन और जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया और साइन इनवर्स जीरो भी जीरो होता है तो इतना ही बचेगा ठीक है ए कैंसिल हो गया टू बी बचेगा और साइन इनवर्स वन होता है पाई बाई टू स्क्वायर ही हो गए तभी पाई ए भी आएगा दिस विल बी ए बचेगा दिस इज पाई बाई टू तो फाइनली आ गया पा तो ये हो गया सिमेट्रिकल कर्व का एरिया ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जब कोई भी कर्व पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है उस केस में क्या होगा <coughs> For example, example 9 Curve दे रखा है हमें x, x minus वन x minus टू and x-axis से bounded area. ठीक है तो पहले इसको वेवी कर्व से बना के हम इसका साइन चेक करेंगे कैसे बनाते हैं पहले वाले को ज़ीरो करो एक जीरो आ गया फिर वन आ गया फिर टू आ गया इधर पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव ये इन से हमने बना लिया अब इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं इसके रूट ज़ीरो हैं वन हैं टू हैं जीरो से पहले नेगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सेस जीरो से वन में पॉजिटिव है तो अबव द एक्स एक्सेस वन से टू में नेगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सेस टू के बाद पॉजिटिव है तो अब द एक्स एक्सेस तो बेसिकली हम इसका एरिया जो निकालेंगे अभी फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर जीरो से वन एंड देन वन से टू में जीरो से वन में एरिया पॉजिटिव आएगा वन से टू में एरिया नेगेटिव आएगा <coughs> तो जीरो से वन में पॉजिटिव एरिया आ रहा है तो एज इट इज लिख लो देन वन से टू में मॉड साइन ले लो क्योंकि एरिया नेगेटिव आ रहा है ठीक है ये बात पहले भी हम बता चुके हैं अब ये पूरा तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स क्यू तो आई होप ये पूरा मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं इसका आंसर आता है वन बाई टू इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके देख लेना दोनों साइड ठीक है तो चूंकि ये साइड नेगेटिव हो गई इस वजह से इसको इंटीग्रेट करके अलग से मॉड लेना पड़ेगा ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं वाई इज इक्वल टू कॉसेक्स दे रखा है एक्स एक्सेस से बाउंडेड है और एरिया हमें निकालना है इसका पाए से पाए बाई फोर तो कॉसेक्स का ग्राफ बना लेते हैं पाई बाई टू जीरो माइनस पाई बाई टू ये पाई है पाई बाई फोर कहीं यहां होगा तो देखो पाई बाई फोर से पाई बाई टू में तो कफ पॉजिटिव आ रहा है लेकिन पाई बाई टू से पाई में बिलो द एक्स एक्सेस आ रहा है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे पाई बाई फोर से पाई बाई टू और पॉजिटिव है मतलब एज इट इज लिख लेते हैं कॉस एक्स डीएक्स प्लस पाई बाई टू से पाई में कॉस एक्स डीएक्स इसमें साइन ले लू क्योंकि ये नेगेटिव है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है इसको आई होप इंटीग्रेट कर सकते हो ये नेगेटिव ही आएगा ग्राफ से ही देख चुके हैं हम लोग साइन पाए बाई टू माइनस साइन पाए बाई फोर यहां पे क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस साइन पाए बाई टू साइन पाई बाई टू वन होता है साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है साइन पाई माइनस वन होता है और साइन पाई बाई टू साइन पाए जीरो होता है सॉरी साइन पाए जीरो होता है और साइन पाए बाई टू माइनस वन हो जाएगा इसका मॉड लेंगे वन आ जाएगा तो वन माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन का मॉड वन तो फाइनल आंसर आ रहा है टू माइनस वन बाय रूट टू सिंपली तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव में है तो उसका ग्राफ बनाना जरूरी है और एरिया में वैसे ग्राफ बनाना जरूरी है तभी हम डिसाइड कर सकते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कौन सा पार्ट नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं हम लोग दो कर्व के इंटरसेक्शन मतलब यहां पे दो कर्व दिए जाएंगे तुम्हें इनके बीच में बाउंडेड एरिया तो यहां पे तुम्हें कर्व बनाने पड़ेंगे सपोज कर लो वायज एको टू एफ एक्स कर्व ये है और वाइज एको टू जी एक्स कर्व ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है ये Q है दोनों को हमें पहले स्टेप में सॉल्व करना होगा ये पॉइंट आ जाएगा लेट से एक्स वन वाई वन और ये पॉइंट आ गया एक्स टू वाई टू तो कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं ये जो इनसे बाउंडेड एरिया है कैसे निकाला जाएगा उस बारे में बात कर रहे हैं तो जो कव ऊपर है वहाँ पे एक स्ट्रिप ले लो लेट से ये वाई वन हो गया इसके बाद जो कव नीचे उस पर एक स्ट्रिप ले लो वाई टू हो गया एरिया में करेंगे हम ये एक्स एक्सेस से बाउंडेड निकाल रहे हैं तो एक्स वन से एक्स टू जाएगा दोनों <coughs> को सप्रैक करेंगे <coughs> तो ये स्टेप बचेगी जो दोनों के बीच में बाउंडेड है दैट इज वाई वन माइनस वाई टू y1 क्या है ऊपर वाला कव ऊपर वाला कव है एफ एक्स माइनस नीचे वाला कव जी एक्स डी एक्स दो कव के बीच में बाउंडेड एरिया है तो उसका कंसेप्ट ये है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे y1 वन माइनस वाई करके हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ठीक है इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है एंड वाई इज टू एक्स दे रखा है तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो कैंसिल नहीं करते हैं ग्राफ प्लॉट कर लेंगे वाई इज टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा और चूंकि दोनों ही कर्व ऑड फंक्शन हैं तो दोनों ही कर्व सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होंगे तो बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है और चूंकि दोनों सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल लो जो एरिया ये आएगा वही एरिया ये भी आएगा ठीक है तो क्या करना है यहाँ पे एक स्ट्रिप एज्यूम कर लूँ स्ट्रेट लाइन पे पहले होगी ये वन कॉमा वन आ जाएगा ये जीरो कॉमा जीरो और ये माइनस वन कॉमा माइनस वन एक्स जब लाई करेगा जीरो से वन तो एक्स बड़ा होगा और एक्स क्यूब छोटा होगा इस वजह से स्ट्रेट लाइन ऊपर आ रही है और कर्व नीचे आ रहा है तो फाइनल एरिया क्या आएगा टू टाइम्स जीरो से वन इंटीग्रेट कर लेंगे ऊपर कौन सा कर्व है ऊपर स्ट्रेट लाइन है नीचे कर्व है एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब का एक्स की पार फोर बाई फोर ये वन बाई टू आ जाएगा वन बाई फोर आ जाएगा ये वन बाई फोर बन जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है वन बाई टू इट्स आंसर इज वन बाई टू सिंपली ठीक है तो दो कर्व से बाउंडेड एरिया समझ में आ गया अब यहां पे एक पॉइंट याद रखना है हमें ये फॉर्मूला है एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड एक्सक्वायर इज एकवल टू फोर बी वाई से जो बाउंडेड एरिया होता है वो होता है सिक्सटीन ए बी बाई थ्री ये याद रखना है इसके कैलकुलेशन काफी बड़े हो जाते हैं तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए ये वाई स्क्वायर इज एकल टू फोर ए एक्स हो गया ये एक्सक्वायर इज एकल टू फोर बी वाई हो गया तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं ये पी और ये जो एरिया आता है ये सिक्सटीन ए बी बाई थ्री आता है ये याद होना चाहिए ए और बी कंपेयर करके लिख देंगे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा ठीक है तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे